नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिप्स डॉट इन। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती क्षेत्र के डड़ाई गांव में एक कलियुगी बेटे ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर अपने माता पिता की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। देखिए चांपा जांजगीर से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। माता पिता के इस दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के बाद गाँव वालों ने हत्यारे बेटे को रस्सी से बांध कर रखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पुत्र को हिरासत में लेकर अपराध कायम कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल सक्ती थाना इलाके के डड़ाई गांव के भोलेराम चौहान ने अपनी मां झामिनी बाई से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की थी और वो अक्सर मां से पैसे लिया करता था, पर आज मां झामिनी बाई ने शराब के लिए पैसे देने से मना कर दिया, जिस बात को लेकर भोलाराम मां से झगड़ने लगा, जिस पर पिता सुलाऊ राम ने बीच बचाव किया, मगर भोला राम ने अचानक तेज में आकर बुजुर्ग माता पिता पर डंडे से हमला कर दिया। पहले उसने मां पर वार किया और तब तक डंडे बरसाता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद पिता को भी डंडे से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिनकी गंभीर अवस्था में इलाज के दौरान सक्ती हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। सक्ती पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फोन किया ना तो बताया ऐसी बात है, आपका भाभी का उसको मारकर ख़त्म कर दिया है। तो हम लोग वहाँ से हमारे बड़े भाई को बोला, मेरे भाभी को बोला, तो वो लोग दोपहर का 2 बजे यहाँ आया है। फिर उस लोग हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसका बाबूजी ख़त्म हो गया। पैसा मंगी था लड़का, हाँ मारे है बस उसकी बात है। हमारे संवाददाता ने आरोपी भोलाराम से बातचीत की, अब वो बहुत दुखी है और उसे अफसोस है। वही उसके 3 बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। दुखेट लागे थे लेकिन अब आकर दुखेट लागे थे। भोलाराम अपने माँ बाप के साथ झगड़ा लड़ाई कर रहा है, इस सूचना पर हमारा स्टाफ के गया था। वहाँ देखा तो जामनी बाई इस पार्ट में ही खत्म हो चुकी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 302-307 कायम किया गया और आरोपी भोला राम के पिता सुलाऊ राम जो गंभीर अवस्था में था, जिसको पुलिस जीप में साधन न मिलने कारण अपने जीप में ही CSC शक्ति भेजा था, जो अस्पताल में इलाज के दौरान ख़त्म हो गया और दोनों मृतकों का पंचनामा कार्रवाई कर PM कराया गया। For more information, log on to www.clips.in.